कुछ खबरें मौसूल हुई हैं हमें शाम की सरजमीन से। वहाँ के गली मोहल्लों में फसादात को हवा दी जा रही है। अरब बाशिंदों को उस्मानियों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। तुम लोगों का वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। शाम में हमने मुदाखलत नहीं की, उनके मसाइल से बरतानिया का कोई लेना देना नहीं। आप बहैसियत खलीफा कमजोर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। तुर्क कमजोर हो गए हैं अब। हमारे हिंदुस्तानी भाई तुम्हें खिलाफत की ताकत दिखा देंगे। अभी हुक्म भेजे उन्हें। शाम के गली मोहल्लों में फसादात को हवा दी जा रही है। अरब बाशिंदों को उस्मानियों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। मसला क्या है? हिंदुस्तान के शहर मुंबई में मसला है। जहाज रुक गए हैं, रेल का निजाम मुअत्तल हो गया है, तालीमी इदारे और हुकूमती दफातर खाली पड़े हैं, बंदर का ही जाम है, जैसे जिंदगी का पहिया रुक गया हो। हम जानते हैं कि इसकी वजह आप हैं। वहाँ मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। तुमने तो कहा था कि खिलाफत अपनी ताकत खो रही है, तो बहैसियत खलीफा हिंदुस्तान के मुसलमान हमारी बात कैसे मान सकते हैं? जिस तरह तुम लोगों का शाम के हालात से कोई वास्ता नहीं, उसी तरह हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात से हमारा वास्ता नहीं। मुसलमानों के खलीफा का उनके लिए हुक्म है, एहतजाज को दूसरे शहरों तक फैला दिया जाए। हिंदुस्तानी मुसलमानों को खबर कर दे पाशा, अगर बरतानवी हुकूमत अपनी साजिशों से बाज नहीं आती तो फिर हम भी जवाब देंगे। मेरी इजाजत के बगैर ये सब कैसे कर सकते हो तुम? शाम के मामले में कैसे कूद सकते हो? एक अहम खबर है, जल्दी बताओ। एहतजाज हिंदुस्तान के कई शहरों तक फैल गया है जनाब। अब्दुल हमीद अब हद से बढ़ रहा है। इतने मजहबी कारिंदे होने के बावजूद भी तुम अब्दुल हमीद की कुव्वत का अंदाजा नहीं लगा सके, कैसे कर सकते हो तुम इतनी बड़ी गलती? ये मंसूबा गैदरुद पहल का था, सिफारत खाने को इसकी खबर अभी हुई। आखिर ये आप क्या कर रही हैं? अब्दुल हमीद ने हिंदुस्तान में जिंदगी रोक दी है। अगर मैं मुदाखलत ना करता तो हालात और बिगड़ जाते। अगर एक दिन के लिए भी हिंदुस्तान बरतानिया के हाथ से निकल जाए तो जानती है ना क्या हो सकता है। मैं शाम की सरगर्मियां खत्म कर रहा हूँ। आ जाने की वजह बताओ। बरतानिया को शाम के मसले का जिम्मेदार समझना गलत ही है आपकी। तो वो इतने खौफजदा हो गए हिंदुस्तान के मामले से? पूरे बरतानिया में इसी पर बात हो रही है। फिर तो उन्हें इसका हल भी मालूम ही होगा। जो समझ रहे थे कि खिलाफत में दम हम बाकी नहीं रहा, उन्हें अपना ये ख्याल बदल देना चाहिए। शाम के मसले से बरतानिया अब अपना हाथ उठा लेगा सुल्ताने मौसम। अगर आप हिंदुस्तान के हालात संभालते हैं तो हमारी भी पूरी कोशिश होगी कि शाम के हालात संभाल जाए। हिंदुस्तानी मुसलमानों का एहसान रहा है हम पर, उन्होंने कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ा। आपने भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ा।